step. Today I am going to explain the subtopic of chapter resource and development, that is conservation of resources. And in this topic we have to understand what, why and how regarding conservation और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस. आज मैं अपने इस क्लास का शुरुआत संस्कृत के इस वाक्य से करना चाहूंगा, लोभ मूलानि पापानि संकटानि तथैव च, लोभात् प्रवर्तते वैरम् अतिलोभात् विनश्यति. मतलब लोभ पाप और संकटों का कारण होता है. जब हम लोभ करते हैं तो बहुत सारे पाप कर जाते हैं जो दूसरे को आहत करता है, जो दूसरे को क्षति पहुंचाता है. अब उदाहरण के तौर पर जब हम संसाधन का जमाखोरी करेंगे, संचय करेंगे, तो उस संसाधन से हमारे आसपास के दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकता था, उसका एक तरह से हकमारी होता है इस तरह से. और अधिक लोभ करने से दुश्मन जन्म लेता है, भाई भाई में दुश्मनी हो जाता है, समाज में एक दूसरे से दुश्मनी हो जाता है. जैसे आपके बगल में कोई है तो आप देखते होंगे समाज में संपत्ति को लेकर के, जमीन को लेकर के विवाद होते रहता है. तो जब आपके बगल वाले कोई अधिक लोभी हो जाता है तो वह धीरे धीरे आपके जमीन को इनक्रॉस करते चला जाता है और इस तरह से क्या होता है, विवाद होता है, दुश्मनी बढ़ता है. यही स्थिति दो देशों के बीच भी होती है. आज पाकिस्तान और भारत, चाइना और भारत और दुनिया के अनेक देशों के बीच अभी वर्तमान में जो संकट चल रहा है, आपको इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, यह भी अति लोभ के कारण जन्म लिया है. तो लोभात् प्रवर्तते वैरम् अति लोभात् विनश्यति. और अत्यधिक लोभ बढ़ जाने से लोगों का विनाश हो जाता है, सृष्टि विनाश के ओर अग्रसर हो जाता है. तो लोभ के कारण ही आज दुनिया में जो है संकट का दौर चल रहा है. दो देशों के बीच आपसी विवाद जन्म ले रहा है और तृतीय विश्व युद्ध की संभावना हमारे सामने बढ़ती और बनती जा रही है. अब लोभ किस बात की? लोभ संसाधनों को हथियाने की. लोभ रॉबर्ट्स इकोनॉमी को जन्म देता है. रॉबर्ट्स इकोनॉमी बहुत ही प्रचलित शब्द है आज के डेट में, मतलब डाकुओं का अर्थतंत्र. हमारे आसपास, हमारे चारों ओर डाकुओं का अर्थतंत्र विकसित होते चला जा रहा है. सभी लोग अमीर बनना चाहता है, रातों रात अमीर बनना चाहता है. और वो क्या करता है, वह संसाधनों का अतिदोहन करता है या दूसरे के संपत्ति का हकमारी करता है. तो अतिदोहन या जमाखोरी करता है संसाधनों का, और इन संसाधनों के जमाखोरी, संसाधनों के अतिदोहन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड अकुमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस leads to several problems. Differences in the societies, differences even between the brothers, differences between the countries, leading to rich and poor, have and have not. Along with this, and the most important and most vital is global ecological crisis. Global ecological crisis, वैश्विक पारिस्थितिकीय संकट,
जिसमें आप पार्थिव ताप के बारे में पढ़ते हैं, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, लैंड डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ते हैं, अर्थात भूमि निम्नीकरण, और बहुत सारे समस्या हमारे सामने जो पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ है, मुंह बाए खड़ा है, मानो वह संपूर्ण सृष्टि को ही लील लेगा। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए हमें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की आवश्यकता है। तो कंजर्वेशन क्या है, सबसे पहले समझें व्हाट इज कंजर्वेशन। इट मींस अ केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ समथिंग। किसी चीज का जब हम सावधानी पूर्वक उसका रखरखाव करते हैं, उसका बचाव करते हैं, तो वह कंजर्वेशन होता है, वह संरक्षण होता है। दूसरा सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो कंजर्वेशन मतलब प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। तो हम बोल सकते हैं अ केयरफुल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द रिसोर्सेज इज द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, और वी कैन से इट मींस यूसेज इंप्रूवमेंट सब्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज सो एज टू यूज देम सस्टेनेबली। मतलब हम जब अपने आसपास पर्यावरण में मौजूद संसाधनों का उपयोग करते हैं तो हमें सावधानी पूर्वक उसका उपयोग करना चाहिए, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसमें उस संसाधन के गुणवत्ता में वृद्धि कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के सहायता से, टूल्स के सहायता से, ह्यूमन स्किल के सहायता, मानवीय कौशल के सहायता से। और जब बात आती है फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, मिनरल रिसोर्सेज के बारे में, जिसका भंडार सीमित है, तो वहां सब्स्टिट्यूशन मतलब उसका अल्टरनेट ढूंढना है, उसका विकल्प ढूंढना है, ताकि उसका रक्षा हो और वह हमारे आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके और वर्तमान में हम भी उसको जरूरत के हिसाब से यूज कर सके, प्रोटेक्शन और उसका बचाव भी कर सके, मतलब उसका लंबे काल तक चिरस्थाई उसका प्रयोग हो, चिरकाल तक हम उसका प्रयोग कर सके, हम भी करें और हमारे आने वाले पीढ़ी भी कर सके। तो इन चीजों को ध्यान में रखें जब हम रिसोर्सेज का प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन करते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। और आसान शब्द में आपको ये दो शब्द याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, द वाइज एंड जुडिशियस यूटिलाइजेशन इन अ प्लान्ड वे, मतलब योजनाबद्ध तरीके से जब किसी संसाधन का बुद्धिमानी पूर्वक और न्यायोचित ढंग से हम उपयोग करते हैं तो वह संसाधन का संरक्षण कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स कहलाता है। अब तो आपने व्हाट के बारे में समझ गया, अब व्हाई के बारे में समझना है। तो इस तरह से क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया जा सकता है, व्हाई शुड बी कंजर्व रिसोर्सेज, हमें संसाधन का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, चूंकि दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, चूंकि यह हमारे सभ्यता और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, एक बात। दूसरा, दे आर वाइटल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंटल वो एक्टिविटीज और वर्क्स, जितना भी कार्य करते हैं सभी में किसी न किसी संसाधन का जरूरत पड़ता है, बिना संसाधन के, बगैर किसी संसाधन का कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं,
या इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इसमें व्हाइट बोर्ड मेरा संसाधन है, ये मार्कर संसाधन है, कैमरा संसाधन है, बुक संसाधन है और मेरा स्किल लग रहा है, जो स्किल लग रहा है वो भी एक संसाधन है। तो कहने का मतलब है जितना भी एक्टिविटीज करते हैं सब में संसाधन की आवश्यकता होती है, लेकिन उसी संसाधन का अगर हम औचित्यहीन तरीके से या अविवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो वह क्या होगा, वह अनेक तरह की समस्याओं को जन्म देता है। इरेशनल और अनमाइंडफुल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ देम मे लीड टू इंडिविजुअल सोशल इकोनॉमिकल कल्चरल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब उदाहरण के तौर पर ये इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पर किस तरह का समस्या उत्पन्न कर सकता है, अगर आप जिस जगह पर हैं आप पानी का दुरुपयोग करेंगे, आपके टंकी में संचित पानी का जब आप यूज करते हैं और यूज करने के क्रम में कहीं नल खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा, टंकी का पानी खत्म हो जाएगा। या आप अंडरग्राउंड वाटर का अति दोहन करेंगे तो वाटर टेबल नीचे चला जाएगा और गर्मी के दिनों में आपको पेयजल का संकट का सामना करना पड़ेगा। और ये जो संकट है वह आपका आपके लिए व्यक्तिगत भी होगा और आपके सोसाइटी को भी भुगतना पड़ेगा। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, अगर आप मान लीजिए कि पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मिनरल रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल्स जिसका भंडार सीमित है उसका फास्ट डिप्लीशन करेंगे, फास्ट यूटिलाइजेशन करेंगे तो एक दिन हमें भारी संकटों का सामना करना पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, सारे आर्थिक गतिविधियों पर ब्रेक लग जाएगा। तो हम जब इसका इस्तेमाल करें तो निश्चित रूप से रीयूज रिसाइकिल को ध्यान में करें। कल्चरल प्रॉब्लम होगा, जो आप कल्चर डेवलप कर रहे हैं, जो आप के आसपास नए विकास कार्य हो रहे हैं, एक संस्कृति का निर्माण हो रहा है वह बाधित हो जाएगा। और उससे भी बढ़कर सबसे भयावह स्थिति हो जाएगी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसके बारे में यहां मैंने चर्चा किया, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, वह ग्लोबल वार्मिंग के रूप में, लैंड डिग्रेडेशन के रूप में, एसिड रेन के रूप में और अनेक रूपों में हमारे सामने दस्तक दे चुका है और हमें सावधान होने की जरूरत है, अन्यथा हम और हमारे संतति, ये हमारा जैव संसार विनाश के कगार पर पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में अभी भी बहुत सारे जो द्वीपीय देश है, आइलैंड्स कंट्रीज हैं और कोस्टल एरिया है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वह विनाश के कोख में समाते जा रहा है, धीरे धीरे उसका अस्तित्व समाप्त होते जा रहा है। तो कहने का मतलब है इसीलिए हमें अपने संसाधनों का कंजर्वेशन करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। तो जस्ट टू कीप दिस इन माइंड वी शुड हैव टू कंजर्व देम एट वेरियस लेवल, आप व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर हमें प्रयास करना पड़ेगा संसाधनों के संरक्षण के लिए। अगला है हाउ कैन वी कंजर्व देम, इसमें संक्षेप में द गोल्डन रूल ऑफ कंजर्वेशन इज टू फॉलो द 3 R's, फर्स्ट R फॉर रिड्यूस, सेकेंड R फॉर रीयूज एंड थर्ड R फॉर रिसाइकलिंग। रिड्यूस, व्हाट फॉर रिड्यूस, रिड्यूस कंजम्पशन एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, जो भी संसाधन का आप अति
अतिदोहन कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, आप अपने दैनिक जीवन में जो जिन संसाधनों का उपयोग करते हैं, आप पाएंगे, अगर कंसियसली देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप बहुत सारे ऐसे संसाधन का उपयोग जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं जिसकी जिसका बचाव आवश्यक था, जिस संसाधनों के कंजम्पशन को रिड्यूस किया जा सकता है। तो आप पाएंगे कि आपके आसपास, आप जैसे पानी का, पेट्रोल का, पानी का घर में आप यूज करते हैं तो कई बार जरूरत से ज्यादा यूज करते हैं। आप देखते होंगे जिस इलाके में बहुत ज्यादा पानी की उपलब्धता होती है और उनको या उनके बच्चे को यह ज्ञान नहीं होता है कि यह पानी जो हम चापाकल से या टेप से ले रहे हैं वह पानी अंडरग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल है, और हम अति दोहन करेंगे तो वह भूमिगत जल का लेवल नीचे चला जाएगा और गर्मी के दिनों में हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो हम कुछ ऐसे काम नहीं करेंगे जो हम कर रहे हैं, जैसे आप स्नान कर रहे होते हैं तो पानी डाले जा रहे हैं, हर हर बम बम करते जा रहे हैं, और इस तरह से आप यह भूल जाते हैं कि आप 2 बाल्टी में 3 बाल्टी में मैक्सिमम स्नान कर सकते थे, वहां 4 बाल्टी 5 बाल्टी करते जा रहे हैं। आपको यह ध्यान ही नहीं रहता है कि ये वेस्टेज ऑफ वाटर है। ठीक उसी तरह से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते थे बजाय आप व्यक्तिगत व्हीकल्स का, इंडिविजुअल व्हीकल्स का, हर जगह मोटरसाइकिल से ही ना जाए, हर जगह आप सब्जी लेने जाना है, बाजार छोटा मोटा काम करने जाना जो पास में है, वहां भी आप मोटरसाइकिल या मोटर व्हीकल से ना जाए, उसके बजाय या तो पैदल जाए, आपका सेहत भी ठीक रहेगा, या साइकिल से जाए। तो इस तरह से रिड्यूस कंजम्पशन एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को आप ध्यान में रख के आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा है रीयूज, मींस यूज देम रिपीटेडली इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग देम अवे आफ्टर वन यूज। कई बार कई ऐसे संसाधन है जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं, उसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक बार यूज करते हैं और फिर उसको हम यूं ही फेंक देते हैं। तो जिसका हम बार बार यूज कर सकते हैं क्यों नहीं करें? आपके उसका बार बार यूज करने से उस संसाधन पर जो है भार कम होगा, उस संसाधन का बचाव होगा, ताकि समाज में, देश के अंदर जो दूसरे लोग हैं उसका वह इस्तेमाल कर सके। उदाहरण के तौर पर आप जब ट्रेन से सफर करते हैं तो आपके ट्रैक के दोनों ओर बहुत सारे आयरन स्क्रैप पड़ा हुआ दिखेगा, तो उस स्क्रैप का रीयूज रिसाइकिल होना चाहिए। आप जब पेन लिखने के लिए यूज करते हैं तो जब रिफिल खत्म हो जाता है तो आप रिफिल बदलने के बजाय आप पेन को ही फेंक देते हैं। आखिर पेन बनाने में जो मटेरियल का उपयोग हुआ, आप तो उसके लिए आप अतिरिक्त बोझ डाल दिया। तो कम से कम इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और अगला है रिसाइक्लिंग रिड्यूस पॉल्यूशन अलोंग विद वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स। और जो चीज रिसाइकिल होने वाला है, जैसे पॉली बैग, मैं तो कहूंगा से नो टू पॉली बैग। Instead of using poly bag, we should use jute bag or clothes bag. तो आपको if you are using poly bag, तो use it, use them repeatedly, use them again and again. And water bottle, poly bag, इस सबको recycling के लिए भेजने का कार्य करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, न कि उसको यूं ही फेंक देना चाहिए। फेंकने से
एक संसाधन अतिरिक्त तो आपने यूज किया, उसका दोबारा आप यूज कर सकते थे। दूसरा, जो मिट्टी है, पानी है, सीवेज है, सबको आपने डिस्टर्ब कर दिया। तो इन चीजों को ध्यान रखना है, उसको यूं ही बिखेर देना, आपके घर का कचरा को यूं ही फेंक देने से जो मिट्टी है वो पॉल्यूटेड होता है, पानी है वो पॉल्यूटेड होता है। इस तरह से आप पॉल्यूशन तो फैलाते ही हैं, और रॉ मटेरियल्स का जो कच्चा माल है जिससे कोई फिनिश्ड गुड बनाए जाते हैं, उस रॉ मटेरियल्स का भी आप बहुत भारी क्षति पहुंचाते, बहुत भारी हानि पहुंचाते हैं। तो कंजर्वेशन के बारे में आज के क्लास में इतना ही। अब हम देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर कंजर्वेशन के लिए, प्लानिंग के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, ग्लोबल पीस के लिए जो प्रयास किए गए हैं, जो समिट, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस आयोजित किए गए हैं, उसके बारे में अगले क्लास में हम लोग समझेंगे कि वैश्विक स्तर पर किस किस तरह के प्रयास किए गए हैं और कौन कौन से विद्वान, कौन कौन से विचारक, भूगोलवेत्ता, वैज्ञानिक अपना अपना विचार रिसोर्स प्लानिंग के बारे के लिए या रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए किस तरह से दिया है। आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद।